शाहिद कपूर का पीछा करती थी राजकुमार की बेटी, मानती थी पति एक्टर के घर के सामने जब किराए पर लगी रहने। मशहूर एक्टर कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार की एक्टिंग के आज भी लाखों लोग दीवाने हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अनोखी थी कि आज तक कोई भी कॉपी नहीं कर पाया। देवानंद राज कपूर और दिलीप कुमार के दौर में भी राजकुमार ने अपने ट्रेडिंग सेंस और लहदे अंदाज के कारण ज्यादा सुर्खियों में रहे। राजकुमार फिल्मी दुनिया के नामचीन सितारों में से है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार 1952 में आई फिल्म रंगीली से बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने अपने बेकाब अंदाज और संवाद अदाकारी से लाखों फैंस को अपना दीवाना बनाया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले राजकुमार मुंबई के माहिम स्टेशन में सब इंस्पेक्टर तौर पर तैनात थे। उनके अंदाज को देख फिल्म प्रोड्यूसर बलदेव दुबे ने उन्हें फिल्मों में आने का न्योता दिया। इसके बाद राजकुमार फिल्मी दुनिया में छा गए। हालांकि राजकुमार के बच्चे बड़े पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं कर सके। उनकी बेटी वास्तविकता पंडित ने 1996 में बॉलीवुड डेब्यू किया, लेकिन एक दशक तक काम करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाई। इसके अलावा वह अपनी आदतों की वजह से नेगेटिव खबरों में भी रही है। एक वक्त वो शाहिद कपूर का पीछा किया करते थे। वास्तविकता पंडित पिता की तरह बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं रही। साल 2000 डायरेक्टर निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने अपनी फिल्म दिल भी क्या चीज है से एन मौके पर रिप्लेस कर दिया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट अर्जुन बाजवा थे। इसके बाद वह अलग वजह से सुर्खियों में आई। एक समय वास्तविकता पंकज कपूर के बेटे और जाने माने एक्टर शाहिद कपूर के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। शाहिद जहां भी जाते वहीं राजकुमार की बेटी उनका पीछा करती थी। मीडिया रिपोर्ट के माने तो शाहिद के घर से निकलते ही वास्तविकता उनका रास्ता रोक लिया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वास्तविकता मन ही मन शाहिद से प्यार करने लगी थी और यह जुनून की हद तक बदल गया। शाहिद के करीब रहने के लिए उन्होंने एक्टर के पास ही घर ले लिया और लोगों से कहा करती थी कि वह एक उनकी वाइफ है। शाहिद से उनकी शादी हो चुकी है। पहले तो शाहिद ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक्टर पुलिस का सहारा लिया। शाहिद ने पुलिस थाने में जाकर वास्तविकता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ली। इस शिकायत के बाद से वास्तविकता ने एक्टर का पीछा करना छोड़ दिया। फिल्मी दुनिया से दूर वास्तविकता अब क्या कर रही है इसके बारे में कोई नहीं जानता है।